दोस्तों जय हिंद। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमरीक सिंह तुग्गा। आज का जो मैंने सोचा है, मेरी बहनें नोट करें, एक घरेलू नुस्खा है और आप घर में बना सकते हो उसको। उसमें पहला है फटकड़ी की खिल कर लड़ी, तवे पर हो जाती है। दूसरा सौगे की खिल करनी, वो कड़ाही में हो जाती है। इन दोनों की खिल कर लेनी। और इनका फ़ायदा क्या है? अगर बच्चे को, मान लो छोटे बच्चे को टॉन्सिलाइटिस हो जाए, तो ग्लिसरीन में मिलाकर दोनों चीज़ें बच्चे के मुंह में एक कॉटन के साथ ऐसे जीप में लगा देनी है। एक तो ये इसका फ़ायदा है। दूसरा फायदा है, अगर किसी को, मान लो खांसी नहीं हटती, गला खराब रहता है, तो इसमें थोड़ा सा नमक डालकर इसके गरारे कर लो और आपका गला ठीक है। अगर किसी का बुखार नहीं हटता, थोड़ा जैसे थोड़ा बुखार है, तो इसको बुखार की दवाई ऐसे खा रहे हो आप, तो उसके साथ खाओ और बुखार ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो है, अगर आपका कोई कट बज जाए, मान लो कट बज गया, बड़ा कट बज गया, तो उसमें से खून जाता रहता है, उसमें खून डिस्चार्ज होता रहता है और लगातार चलता रहता है ब्लड, तो वहाँ फटकड़ी का जो पाउडर है वो फेंक दो, लगा दो और उसको कस के बांध लो और हॉस्पिटल को चले जाओ। क्योंकि फटकड़ी जो है ये उसी वक्त जो ब्लड जो है उसको बहने से रोक देता है। फटकड़ी इतनी ताकत है, फटकड़ी की खिल डाल दो और जितना भी मर्जी ब्लड है, मान लो कोई लात पट लगा हो, कहीं भी लगा हुआ ब्लड जा रहा है, जख्म हो गया, फटकड़ी उसके ऊपर डालकर उसको बांध दो और हॉस्पिटल चले जाओ, आप बच सकते हो उसका। तो आगे है इसका, अगर कान में एक रोग होता है बच्चों को और बड़ों को भी हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, कान में से पीक आने लगती है और सब उसको बोलते हैं, जैसे ओटाइटिस मीडिया, मिडल ईयर में इन्फेक्शन होता है और पक जाता है और पर्दा फटने के बाद पाक बाहर निकल जाती है। तो अगर जल्दी आप उसको ठीक कर सकते हो तो पर्दा फिर से भी जुड़ सकता है, अगर उसका फटकड़ी और जो मैंने बोला सुहागे की खिल डालकर उसमें किसी भी ईयर ड्रॉप कोई भी ले लो, बाजार में ईयर ड्रॉप मिल जाते हैं, ईयर ड्रॉप को खोलकर एक चुटकी उसमें डाल दो, उसको हिलाकर कान में डाल दो, तो उससे ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है, मान लो कोई जख्म हो गया, ठीक नहीं होता, उसमें हल्दी मिलाओ, इसी में हल्दी मिलाओ और पट्टी करने शुरू कर दो। कोई दवाई बाजार से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर में ही आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। जहाँ तक कि शुगर के, कई बार जो पेशेंट है शुगर के पेशेंट को गैंग्रीन बन जाती है, तो गैंग्रीन में भी ये काम करता है, मतलब ये नुस्खा। तो एक नुस्खा मैं और बताना चाहूँगा और हर घर में होना चाहिए, मतलब मैं मेरी सोच है उसका, वो होता है नीला थोता। नीला थोता जो है उसको सफाई करते हैं, इसको जैसे एक चट्टूवटा होता है जो जैसे ऐसे खरल होता है, खरल में ऐसे ऐसे उसको ब्रीक पीस लो और नींबू डाल दो, खूब नींबू डाल दो, डालते रहो नींबू और उसको सुखा दो नींबू को डालते उसको कम से कम 3-4 दिन ऐसे ही, और शुद्ध हो जाएगा। तो उसको और तेज़ करना है, मान लो तो एक तवे पर उसको डालो और उसकी खिल बन जाएगी, और उसको फिर उसको नींबू डालो, उसमें से आप वो कर लो, उसको फिर खरल कर लो और उसको फिर उसको डालो और तवे पर थोड़ी सी जो बचा होता है, मान लो थोड़ा बहुत वो हो, और 3 बार ऐसे करना है, रिपीट करना है। तो इसका क्या फ़ायदा है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर किसी को, मान लो अधरंग हो गया, आपके पास कुछ नहीं है, तो इसको ये दो तीन दवाई, सुहागा, फटकड़ी और इसकी भस्म जो मैंने बताई है, इसकी भस्म क्योंकि पॉइजन होता है ये, अगर कच्ची रह जाए तो पॉइजन है, इसका नीले सोते की बात कर रहा हूँ। तो
तो मैंने बता दिया कैसे बनानी है। तो तीनों को मिला दो, मान लो किसी को पैरालिसिस होता है उसको खिला दो, पैरालिसिस उसी वक्त ठीक हो जाएगा। अगर किसी का हार्ट अटैक हो गया मान लो किसी को, उसी वक्त खिलाओ उसको इस चीज़ को और उसी वक्त रुक जाएगा, मतलब इसका इतना असर होता है। और आपको मान लो सांप ने डस लिया तो ऐसे ऐसे कट लगाना है, ऐसे ऐसे मधानी बोलते हैं इसको, मधानी कट, ऐसे काट कर नीले थोथे का जो बनी हुए ना हमारी जो कच्चा नीला थोथा है कच्चा लेना है वहाँ आप डाल दो और सारी की सारी विष वो बाहर निकाले और जो भस्म उसकी है, जो भस्म नीले थोथी की बनाई है उसको खाने को दे दो, आपका विष जो है उसी वक्त निकल जाएगा। मतलब इसमें इतनी ताकत है, सांप के जो विष है उसको ये ख़त्म कर देता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नंबर दे दो, नंबर बोलो, फेसबुक नंबर मेरा है 9816611571 और डॉक्टर अमरीक सिंह के नाम से गूगल में सर्च मारो, यूट्यूब है मेरा, वहाँ से आप और सब्सक्राइब करो आप यूट्यूब को मेरे उसको, और मैं हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो डालता हूँ जो कि सेहत के साथ संबंधित रखता है। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं जैसे कोई भी डॉक्टर है या नहीं भी है, जो मान लो अनएम्प्लॉयड जो बेरोजगार हैं, बेरोजगार बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आप खुद आकर मिलें, जैसे कहीं से भी इंडिया का कोई भी बच्चा बेरोजगार है वो मुझे मिले और मैं उसको बताऊंगा कि काम क्या करना है, हमने यही काम करना है और फार्मेसी लगानी है और हॉस्पिटल बनाना है और दवाई को घर घर पहुँचाना है। तो हमारा तो एक सेवा है एक तरह की, और मैं चाहता हूँ कि जैसे नब्ज का नॉलेज है वो मेरे से सीखो आकर बच्चे जो सीखना चाहते हैं। दवाई नहीं तो बनती मंगवाओ, जो दवाई नहीं बनती मान लो किसी तो मेरे पास होती है तो मंगवा लो, बनी बनाई होती है हमारे पास फार्मेसी भी है। तो इसलिए मैं आपको आज के लिए इतना ही काफ़ी, नमस्कार, जय हिंद।